आनंद शर्मा, राजस्थान टाइम्स में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। कश्मीर में लश्कर आतंकी ढेर, लेफ्टिनेंट फयाज को मारने में शामिल था। केनेथ जस्टर होंगे भारत में यूएस एम्बेसडर, ट्रंप ने नॉमिनेट करने की इच्छा जताई। डोकलाम मुद्दे पर भारत को बदनाम करने की चीनी नीति से रूस ने किया किनारा। म्यांमार में सैन्य कार्यवाही में लगभग 400 रोहिंग्या विद्रोहियों की मौत। रविवार को बदलेगी टीम मोदी, 5 वजहों से फेरबदल, बंडारू समेत 8 इस्तीफे। दिल्ली में कूड़े का पहाड़ धसा मामला, कई लोग दबे, 4 कारें नहर में गिरी, 2 की मौत। गोरखपुर ट्रेजेडी मामला, 3रे आरोपी डॉक्टर कफील खान को यूपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। ईद उल जुहा की नमाज पढ़ मांगी अमन और खुशहाली के लिए दुआ, राज्यपाल ने दिया पैगाम। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत 1419 तक जयपुर में रहेंगे। पड़ोसी राज्यों में स्वाइन फ्लू का वायरस ज्यादा एक्टिव, इसलिए यहां बड़ा खतरा। तो ये थी आज के टॉप हेडलाइंस, और खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान टाइम और अपडेट क्लिक कीजिए सब्सक्राइब। नमस्कार।